जुमला सरकार, मोदी सरकार, अडानी अंबानी का सरकार, मोदी सरकार। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। देश भर में इस समय काफी चिंता पसरी हुई है। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों लोग इस समय डूबने की कगार पर आ गए हैं। आप सभी जानते हैं, मामला है देश के सबसे बड़े उद्योगपति में शुमार, मैं शुमार ही कहूँगा, क्योंकि एक समय में सबसे बड़े उद्योगपति थे, आज वो नीचे खिसक चुके हैं। गौतम अडानी को लेकर हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई, उसके बाद में जिस तरह से उनके शेयर गिरते चले जा रहे, उनकी कंपनी डूबती चली जा रही, उसके बाद कहीं ना कहीं देश भर के लोगों में एक चिंता का माहौल पसर गया कि हमारे पैसे जो हमने अडानी समूह में लगाए थे उसका क्या होगा। उसी चीज़ को लेकर इस समय हम खड़े हैं वसई के LIC ऑफिस के बाहर। यहाँ आज कांग्रेस पार्टी एक निर्देशन आंदोलन कर रही है। हमारे साथ इस समय कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनिल अल्मोड़ा जी है, उनसे बात करते हैं। अल्मोड़ा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, मैं अनिल अल्मोड़ा, जिला अध्यक्ष वसई विरार शहर जिला कांग्रेस। आप सभी को मालूम है कि अडानी जी का जो सपोर्ट बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, हमारे नेता राहुल जी गांधी बहुत पहले से बोल रहे थे कि ये सरकार अडानी अंबानी चलाती है। और अभी जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया, उससे क्लियर हो गया है कि हिंडनबर्ग से रिपोर्ट में जो बताया है कि शेयर की वैल्यू बढ़ा के देने के लिए उन्होंने जो सेबी का नियम बाह्य काम किया है, और इसके वजह से जो उनकी शेयर की कीमत है करीबन 10 लाख करोड़ नीचे आई है, और उसमें हमारे जनसामान्यों के इन्वेस्टमेंट इफेक्ट हुए है। कांग्रेस गवर्नमेंट इंक्वायरी की मांग कर रही है। हिंडनबर्ग का रिपोर्ट जो है उसकी चर्चा होने दो, तो चर्चा भी करने के लिए मोदी सरकार तैयार नहीं है। यही हम देख रहे हैं कि मैं नहीं खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, आज सबके सामने है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ने 4000 पन्नों की रिपोर्ट दी, मगर फिर भी लास्ट 4 दिन से, आज का दिन भी वर्किंग शेयर कैपिटल अडानी का जो गिर रहा है वो रुकने का नाम नहीं रहता। और 20000 करोड़ का जो FPO निकाला था उसमें LIC और SBI को पैसा डालने की कुछ ज़रूरत नहीं थी, तभी हिंडनबर्ग का रिपोर्ट ऑलरेडी आया था, मगर केंद्र सरकार के मोदी सरकार के दबाव में ये इन्वेस्टमेंट हो रही है। आखिर वो FPO भी उनको कॉलिंग वापस बुलाना पड़ा। आप ये जो निर्देशन कर रहे हैं इसमें आपकी क्या मुख्य मांग है? नहीं, हमारी मुख्य मांग ये है कि ये जो SBI और LIC जो लोगों का पैसा लगा हुआ है, जो 41 करोड़ पॉलिसी होल्डर है उनका पैसा लगा हुआ है LIC में, LIC का शेयर 15-20% एकदम स्टडी शेयर जो था 15-20% हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आने के बाद गया, और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं इसका कुछ परिणाम नहीं होगा, कुछ असर नहीं होगा, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? पैसा तो गया लोगों का, लोगों का, करोड़ों लोगों का जो मेहनत की कमाई है वो डूब रहा है, वो किधर तो नियंत्रण में आना चाहिए, और सरकार ने इसकी चर्चा करनी चाहिए, और लोगों का जो निवेश हो रहा है इसमें उनको संरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए आज का हमारा मोर्चा है, और JBC की जो मांग है हमारी वो संसद में डिस्कशन नहीं करते हैं, संसद में डिस्कशन नहीं करने का, JBC कमेटी जो अपॉइंट करने का है वो नहीं करने का, तो फिर लोगों का संरक्षण कैसा होगा, लोगों के निवेश का संरक्षण कैसा होगा? अभी आपने राहुल गांधी जी का नाम लिया, राहुल गांधी जी बार बार कहते आए हैं अंबानी अडानी सरकार, ये उनका आरोप हमेशा से रहा है, और आज इस तरह से अडानी समूह के ग्रुप को लेकर इस तरह से जो चर्चाएं चालू है और उनका शेयर डाउन हुआ है, उसके बाद में अब कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, कांग्रेस इसको किस तरह से आगे लेके जाएगी पब्लिक में, जनता में किस तरह से लेके? नहीं, संसद अभी चालू है, तो पहला सबसे पहले डिमांड कांग्रेस ने किया, सब विपक्षियों ने किया है कि इसकी संसद में चर्चा होनी चाहिए, चर्चा करने के लिए मोदी सरकार तैयार नहीं है। अगर वो बोलते हैं कि सब नियम के अनुसार उनको इन्वेस्टमेंट किया है, तो इंक्वायरी होने को, चर्चा होने में क्या प्रॉब्लम है? चर्चा होने से क्यों डर रहे हैं? एक तो चर्चा करनी चाहिए,
जेपीसी के हमारी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग है कांग्रेस की, वो करनी चाहिए, नहीं तो रास्ते पे उतरेंगे, लोगों को जन जागृति करेंगे। आज आपका ये जो निर्देशन है कहाँ कहाँ पर है? नहीं, अभी LIC के ऑफिस के सामने है, वसई गांव में SBI ऑफिस है, SBI के सामने भी आज रहेगा निदर्शन। और आप ज्ञापन? एक ज्ञापन हम राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, यही कि सर्वसामान्य लोगों की जो भी पूंजी लगी हुई है उसको सुरक्षित करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार ने जिम्मेदारी छोड़ नहीं सकते है, इसके लिए निवेदन तहसीलदार के मार्फत हम राष्ट्रपति को दे देंगे। तो हम बात कर रहे थे अनिल अलमेड़ा जी से, इन्होंने पूरी इनके निर्देशन के बारे में बताया और किस तरह से वर्तमान हालात में जो देशवासी संकट में है उस पर इनकी जो मांग है उसके बारे में बताया। आगे चल के ये एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम पर देने वाले हैं और इस आंदोलन को और भी तीव्र करने वाले हैं, ऐसा इन्होंने अभी अंदेशा जताया है, उन्होंने एक संदेश दिया है। अभी के लिए इतना ही, वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।